हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आज ए फैमिली ब्लॉग। आज हम बनाने वाले हैं ओट्स की बर्फी, जो बहुत ही टेस्टी होती है और विंटर स्पेशल है और बनाना बहुत ही इजी। उसके लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं ओट्स। ओट्स को हमें पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, और ये बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, आराम से आप इसको 1 या 2 मंथ्स के लिए स्टोर कर सकते हैं। पहले हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, और उसके बाद अब हम ले लेंगे ये शक्कर, और इसको हमें थोड़ा सा मेल्ट करना है। हमने इसमें 4 चम्मच देसी घी लिया है, और उसके बाद इस शक्कर को हमने कर दिया है ऐड, और इसको मेल्ट होने तक हमें थोड़ा सा मिक्स करना है। इससे पहले मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं, और जो पसंद नहीं है वो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने लिए थे काजू, बादाम, पिस्ता, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, बहुत सारे जो हम सबको पसंद है वो मैंने सारे इसके अंदर पहले रोस्ट कर लिए थे। ओट्स को रोस्ट कर लिया था, और उसके बाद हमने करा है गुड़ को मेल्ट, शक्कर को सॉरी। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा सोडा, जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। ये डालने के बाद अब हम इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स, और इस सारे मिक्सचर को, ओट्स को और सारे ड्राई फ्रूट्स को, अब हम इसके अंदर कर देंगे ऐड। इसको आप चाहें तो एक बार में भी मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मिक्स कर कर अच्छे से कर सकते हैं। मैं इसको 2 बार में बनाऊंगी, क्योंकि ये एक बार में नहीं बन पाएगा, थोड़े से ज़्यादा है। और इस तरह से अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर कर गैस पर ही हमें रखना है, सिम गैस पर, और उसके बाद अच्छे से कर लीजिए मिक्स। उसके बाद आप प्लेट भी ले सकते हैं, थाली और या परात। मैंने परात लिया। उसके बाद इसको अच्छे से देसी घी से कर लेंगे ग्रीस, और इसके अंदर जो हमने मिक्सचर बनाया था वो आराम से इसके अंदर करके, जैसे पंजीरी जमाते हैं वैसे ही हम इसको जमाएंगे। 3 से 4 घंटे इसको जमने में लगेंगे, और उसके बाद कट कर कर आराम से आप इसको स्टोर कीजिए और इन्जॉय कीजिए। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए सबसे बेस्ट है ये विंटर में, और ये इस टाइम पर बहुत गर्म होता है। अगर आप चाहें तो कटोरी पे थोड़ा सा पानी लगाकर आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए सारा, अब हम इसके अंदर मिक्सचर ऐड कर देते हैं, और इसको ठंडा करने के बाद इसको करेंगे हम कट। अगर आप चाहें तो डायमंड शेप में भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल चकोर में भी, तो चॉइस आपकी है। और ये हमारा ब्रेकफास्ट 10 से 15 दिन या 1 महीने के लिए आप अच्छे से बनाकर स्टोर करिए और इंजॉय करिए। बहुत ही हेल्दी, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और आज हमने ले लिया एक और फ़ोन, आईफोन टूटने के बाद, दिखाइए। और ये रहा ऑस्करी, ऑस्करी रोटेट कर देती हूँ मैं, खोल है, खोल के चेक करवाया है ना बेटा। खोल बैठो बैठो बैठो, और अभी दाल मखनी हो रही है गरम, नान यहाँ पे कर दिए हैं कवर, और ये रहा ऑस्कर, और पूरा घर फैला हुआ। विंटर में सभी का ऐसे ही होता है ऑलमोस्ट। ये दिखाओ इसको, पहले दिखाओ आदू। मैं तो वीडियो ही स्टार्ट नहीं करी, वीडियो बनाई हूँ मैं, वीडियो। माइक्रोवेव ऑन है, दाल मखनी गर्म हो रही है। ये नान मांग रहे है, ये ऑस्कर का है। थोड़ा सा जल्दी, डन। ये हमने फर्स्ट टाइम लिया है, अब यूज़ करके हम बताएंगे कि आपको लेना है या नहीं। अभी तक हमने आईफोन और सैमसंग यूज़ करें,